बैनर, बिल्ले, पोस्टर, पैम्पलेट, ये भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रचार की पारंपरिक सामग्री हैं। लेकिन बाजार में अब चीन की बनी हाईटेक प्रचार सामग्री आ गई है। इनमें एलईडी पेन से लेकर नगाड़ा तक भला क्या क्या नहीं है, देखते हैं इलाहाबाद की इस खास रिपोर्ट में। सियासी दलों के बड़े नेताओं के मुखौटे पहने ये लोग अलग अलग दलों के समर्थक हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हैं। परंपरागत चुनाव प्रचार सामग्री में इस बार हाईटेक का तड़का है। एलईडी पेन, स्टिकर मुखौटा और नगाड़ा भी जमकर बोल रहा है। दुकानदारों ने इस तरह की चुनाव सामग्री के लिए चीन में बने सामान की ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की है। 75 लाख रुपए सीमा हो गई, जिससे व्यापारियों को थोड़ा एक लाभ दिख रहा था। इसको हम लोगों ने तैयारी पूरे देश में एक जितने भी मैन्युफैक्चर थे इकट्ठा हुए और मैक्सिमम आइटम चाइना से हम लोगों ने बनवाए। जैसे डिजिटल पंखे आए हुए हैं, डिजिटल पेन है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स है, टोपी है, कैप है, तरह तरह के आइटम जो चाइना से मंगाए गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बाजार में धूम है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा उमंग है। वो सियासत में ही नई हाईटेक पार्टी नहीं है बल्कि बाजार में भी उसका अक्स देखा जा सकता है। यहाँ सभी प्रशासनिक समान में तो केजरीवाल जी का लेने आया हूँ। अच्छा। कि अपने दोस्तों के लिए या सभी के लिए बांटने के लिए मैं केजरी जी की कैप भी ले आया हूँ और ये मफलर और उनके चेहरे भी। मैंने राहुल जी का पेन खरीदा है और जो है कांग्रेस पार्टी के जो और भी सामान है वो सब मैं खरीदने के लिए आया हूँ। हाईटेक चुनाव सामग्री ने प्रचार प्रसार में नया रंग भरा है। ये दुकानदारों के लिए फायदे का सौदा है और पार्टियों के लिए भी। अब इससे भला क्या फर्क पड़ता है कि चीन का नाम लेना बीजेपी वाले भले पसंद ना करें, लेकिन बाजार में चीन से भली चुनाव सामग्री की खरीदारी करने से उनको कोई परहेज नहीं। इस समय इलाहाबाद से कंचन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।